जी दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्चुअलिटी इन डिस्कोर्स टेक्स्ुअलिटी इन डिस्कोर्स और डिस्कोर्स एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्सचुअलिटी मींस हाउ टू एनालाइज एनी टेक्स्ट इन डिस्कोर्स तो टेक्सचुअलिटी क्या होती है उसको स्टडी करने से पहले हमें डिस्कोर्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस को स्टडी करना पड़ेगा इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है पहले जाके डिस्कोर्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस के ऊपर वीडियोज़ देख लें मेरी जो मैंने अपलोड की हुई हैं बहुत ईजी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बट आज डिस्कोर्स एनालिसिस को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं टू स्टडी टेक्सचुअलिटी डिस्कोर्स अनालस बेसिकली होता है आप आ, किसी भी रिटर्न औरल या साइन लैंग्वेज को या कम्युनिकेशन को जब आप एग्जामिन करते हो ठीक है तो उसको डिस्कोर्स एनालिसिस कहा जाता है लेकिन किस एतबार से किस कॉन्टेक्स्ट में उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसके लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में और उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ उसको एग्ज़ामिन नहीं करना उस रिटर्न औरल या साइन लैंग्वेज को बल्कि उसको किस तरह एग्जामिन करना है किस कॉन्टेक्स में एग्जामिन करना है उसके सोशल कॉन्टेक्स में उसके लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स में यानी लैंग्वेज कॉन्टेक्स में और उसके कल्चरल कॉन्टेक्स में तो ये हो जाता है हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस देन मूविंग टू वर्ड टेक्चुअलिटी इन डिस्कोर्स टेक्चुअलिटी इन डिस्कोर्स इट रेफर्स टू द एग्ज़ामिनेशन जैसे डिस्कोर्स रेफर करता है ना एग्जामिनेशन को इसी तरह टैक्चुआलिटी रेफर करती है एग्जामिनेशन को अबाउट या किस चीज़ की एग्जामिनेशन एक टेक्स्ट की क्या एट्रीब्यूट्स हैं क्या क्वालिटीज़ हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उस टेक्स्ट की ठीक है इट रेफर्स टू द एग्ज़ामिनेशन ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स उस टेक्स्ट के या कोई भी टेक्स्ट है जिसको आप एग्जामिन करने जा रहे हो उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को टू डिस्कवर ताकि आप डिस्कवर कर सको या देख सको या जान सको मीनिंग ऑफ आर रिटर्न वर्क और कम्युनिकेशन किसी भी रिटर्न वर्क या कम्युनिकेशन के मीनिंग को डिस्कवर कर सको तो किसी भी लिखी हुई चीज़ की या कम्युनिकेशन की मीनिंग uh, को जानने के लिए मानी को जानने के लिए कि उस टेक्स्ट का मतलब क्या है उस टेक्स्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना जब आप उसको एग्जामिन कर रहे होते ना तो उस एग्जामिनेशन ऑफ डैट टेक्स्ट इज़ कॉल्ड टेक्सचुअलिटी इन ईजी वर्ड्स वी कैन से डैट एग्जामिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट दैट वट काइंड ऑफ मीनिंग इट इज़ प्रोवाइडिंग सो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्सुअलिटी बेसिकली हमारे पास सेवन uh, स्टैंडर्ड्स होते हैं टेक्सुअलिटी के और ये किसने दिया था इसको मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कौन से स्टैंडर्ड्स हैं उनकी उनकी एक्सप्लेनेशन और इसको किसने इन स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया था ऑफ टेक्सुअलिटी आर अप्लाइड बेसिकली टू एनालाइज एनी टेक्स्ट हम क्यों अप्लाई करते हैं किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए ठीक है कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं टेक्चुअलिटी के जिसको uh, सबसे पहले जो दिया था 1992 में ड्रेसलर एंड बी ग्रैंडी ने या ब्रियो गैंड ने ब्यूग्रैंड ग्रैंड इसको ग्रैंडी भी कहा जाता है ग्रैंड भी कहा जाता है ब्यूग्रैंड ग्रैंड ने या ब्रिय गैंडी ने और ड्रेसलर ने 1992 में स्टैंडर्ड्स बताए थे टेक्सुअलिटी के ये सेवन स्टैंडर्ड से नंबर वन इज़ एक्सेप्टबिलिटी नंबर टू कोहेजन कोहेरेंस देन हमारे पास इंफॉर्मेटिविटी आ, आ, आ जाता है सिचुएशनैलिटी आ जाता है इंटरटेक्चुअलिटी आ जाता है एंड पे हमारे पास आ जाता है इंटेंशनैलिटी कोहेजन कोहेरेंस इंटेंशनैलिटी एक्सेप्टेबिलिटी पहले हम इनको स्टडी करेंगे फिर नेक्स्ट थ्री को स्टडी करेंगे वैसे तो कोहेजन और कोहेरेंस के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ इजी कॉन्सेप्ट वेरी अंडरस्टैंडेबल अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें अदरवाइज थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देती हूँ क्योंकि कोहेजन और कोहेरेंस में थोड़ी सी मजीद चीज़ें आ जाती हैं कोजनस मतलब होता है अगर डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं लेकिन आज कोहिजन और कोहेरेंस का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कोहिजन का मतलब होता है कि आप सेंटेंसेस का आपस में कनेक्शन करवाओ वो कनेक्शन ग्रामेटिकल uh, भी हो सकता है वो कनेक्शन uh, लेक्सिकल भी हो सकता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कोहीजन की दो टाइप्स होती हैं ग्रामेटिकल कोहीजन एंड लेक्सिकल कोहीजन ठीक है कोहेरेंस मींस आप कॉन्सेप्ट दो टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप बताओ कि जो टेक्स्ट है वो क्या थीम प्रोवाइड कर रहा है टेक्स्ट क्या आइडिया प्रोवाइड कर रहा है क्या थॉट प्रोवाइड कर है तो अगर आप कोई थाट बताना चाह रहे हो और आपका टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो इट मीन्स दैट देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड टेक्स्ट तो टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट या टेक्स्ट और आइडिया के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको थीमेटिक रिलेशन कहा जाता है थीम रिलेशन कहा जाता है डेट वट काइंड ऑफ थीम हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाई टेक्स्ट गिवन टेक्स्ट तो वो कोहेरेंस में आ जाते हैं आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो क्या वो कोहेर है उसमें कोहेरेंस है कि नहीं है यानी कि उसमें वर्ड्स की थीम के साथ या जो आइडिया आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो क्या वो वही आइडिया टेक्स्ट के थ्रू बयान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा तो ये कोहेरेंस में आ जाता है देन आ जाता है इंटेंशनैलिटी इंटेंशनैलिटी बेसिकली निकला है इंटेंशन से इंटेंशनस ऑफ अ राइटर राइटर के एम्स राइटर के होप उसके गोल्स उसके इंटेंशंस ठीक है तो ये जो इंटेंशनलिटी स्टैंडर्ड है ना ये बेसिकली राइटर डिपेंडेंट फीचर है ये राइटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि राइटर अपने टेक्स्ट के थ्रू अपने क्या इंटेंशन और गोल्स बताना चाह रहे हैं देन आ जाता है एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी इज़ द फोर्थ स्टैंडर्ड ऑफ एक्चुअलिटी जो डिपेंडेंट uh, होता है रीडर या लिसनर पे इंटेंशनैलिटी राइटर डिपेंडेंट होता है लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी रीडर और लिसनर डिपेंडेंट होता है यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है एक्सेप्ट करना राइटर ने जो लिखा है या राइटर ने अपने टेक्स्ट के जरिए जो बात की है क्या रीडर उसको एक्सेप्ट कर रहा है और कितना एक्सेप्ट कर रहा है कैसे एक्सेप्ट कर रहा है वो सारा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है ना वो एक्सेप्टेबिलिटी में आ जाता है बस फिफ्थ पे आ जाता है इन्फॉर्मेटिविटी इनफॉर्मेटिविटी वो स्टैंडर्ड होता है टेक्सटॉलिटी का जिसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई बात की जाए यानी इन्फॉर्मेटिविटी मतलब इन्फॉर्मेशन होगी ओबियसली ये आ, राइटर एंड रीडर दोनों डिपेंडेंट है कि राइटर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है और रीडर के लिए क्या वो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो राइटर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं क्या रीडर उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प अडाप्ट या ले पा रहा है कि नहीं क्या रीडर को उस टेक्स्ट के ज़रिए राइटर के उस टेक्स्ट के ज़रिए इन्फॉर्मेशन uh, मिल रही है इन्फॉमेशन की नॉलेज की फ्राहमी हो रही है कि नहीं तो अगर हो रही है तो इट मींस कि वो टेक्सचुअलिटी uh, या वो टेक्स्ट जो है वो इन्फॉर्मेटिव है तो ये हो जाता है आप जब भी किसी टेक्स्ट को एनालाइज़ कर रहे होते हो तो आपने देखना होता है कि क्या इसके अंदर इस टेक्स्ट के अंदर इन्फॉर्मेटिविटी है कि नहीं इन्फॉमेसन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं देन आ जाता है सिचुएशनैलिटी सिचुएशनैलिटी मीन्स सिचुएशन क्या राइटर ने जो भी लिखा है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लिखा है सो इट इज़ ऑल्सो राइटर डिपेंडेंट एंड देन इंटर टेक्सचुअलिटी इंटर टेक्चुअलिटी इंटर मीन बिटवीन एंड टेक्चुअलिटी मीन्स बिटवीन द टेक्स्ट सो इंटर टेक्चुअलिटी इज यू कैन से दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट यानी एक टेक्स्ट नहीं एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट के साथ रिलेशन राइटर को रीडर के बैकग्राउंड नॉलेज का पता होता है या होना चाहिए जब राइटर है वो लिख रहा है तो आपको उसकी रीडिंग से या उसकी राइटिंग से जो भी वो लिख रहा है उसकी राइटिंग से उसके इन बैकग्राउंड नॉलेज का पता लग जाता है फॉर इंस्टेंस एक राइटर है वो कोई बहुत सैड नावल लिख रहा है तो आपको उस सैड नावल से पता लग जाता है उसके बैकग्राउंड नॉलेज का कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत सैडनेस में रहा है ठीक है तो आपको उसके बैकग्राउंड नॉलेज का पता लग जाता है जैसे आपको काफ़ी राइटर्स uh, हैं जो फैमनिज़म पे लिखती हैं या लिखते हैं काफ़ी राइटर्स हैं जो फ्रीडम uh, पे लिखते हैं जो यूनिटी पे लिखते हैं तो आपको उनकी राइटिंग से हमेशा पता लगता है कि उनके बैकग्राउंड नॉलेज क्या है तो इंटर टेक्चुअलिटी मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेक्स्ट या रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कोहेशन types of cohesion types of cohesion in discourse analysis and uh, two main types and multiple types as well and in further video we will also talk about types of cohesive devices cohesive device ke उसकी कितनी टाइप्स होती हैं हम उसको स्टडी करेंगे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कोहिजन को देन टाइप्स ऑफ कोहेसिव डिवाइस विद एग्ज़ाम्पल्स सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़